एवरीवन वेलकम बैक टू और आज हम बात करने वाले हैं कि भैया में जो हमारे सब्जेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं उसका क्या तो फायदा हो सकता है क्या उसका नुकसान हो सकता है देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सब्जेक्ट रिडक्शन क्या है इससे हमको मतलब बेनिफिट होना है कि हमको इससे कोई डिसएडवांटेज मिलेगा हमको कोई आइडिया ही नहीं है तो देखो एक आपकी न्यूज बहुत सर्कुलेशन में चल रही है जो कि हमारे सब्जेक्ट प्रोडक्शन को लेके है जहां पे हमको बोला गया कि भाई सीवीटी यूजी जो है यहां पे यहां पे हमारे एक तो यूनिवर्सिटी के ऑप्शन बढ़ रहे हैं दूसरा हमारे सब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं जनरलाइज अगर मैं आपको कहूं मैं इसको एक नॉर्मली आपको भाषा में अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो देखो होता क्या है ना कि हमारे पास जिंडली जो कॉम्बिनेशन बनता है अभी तक जो बनता हुआ आया है ठीक है जी एक मिनट दीजिए जो अभी तक कॉम्बिनेशन बनता आया है जैसे कि आपका सेक्शन वन है लैंग्वेज का सेक्शन है प्लस आपके पास डोमेन है प्लस आपके पास क्या है GT है ये तो तीनों मिलके आप कम से कम दस सब्जेक्ट्स ले सकते हैं कम से कम दस सब्जेक्ट ले सकते हो राइट ये आपका यहाँ पे बोला गया था ठीक है अभी तक ये आपका मामला चल रहा है ठीक है पर अगर मैं बात करूं अब की बार क्या गया, कहा गया है कि अब की बार आपके दस सब्जेक्ट नहीं होंगे अब ये आपके सिर्फ पांच से छह सब्जेक्ट ही होंगे रिड्यूस कर दिए गए हैं अब आप इतने कॉम्बिनेशन नहीं ले पाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पांच छह सब्जेक्ट्स ही चूज करने पड़ेंगे ओवरऑल टोटल मिला के अब दूसरी चीज आपकी यूनिवर्सिटीज बढ़ाने की भी बात की गई है कि भाई यूनिवर्सिटीज भी हम बढ़ाएंगे और जनरली कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही बढ़ रही है आपकी कोई सेंट्रल नहीं बढ़ रही लेट मी रिमाइंड यू कि आपकी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी इंक्लूड होने का कोई न्यूज नहीं आया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ रही है तो जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं प्राइवेट में नहीं जाना चाहते तो आप लोगों के लिए अभी भी शीट लिमिटेड ही है ठीक है तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं कि क्या तो इसके फायदे होंगे क्या इसके नुकसान होंगे तो पहला फायदा तो ये कि आपके पास यहाँ पे जब सब्जेक्ट रिड्यूस आपके हुए तो ऑप्शन कम हो जाते हैं राइट right? आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि हमारे पास अगर पांच से छह सब्जेक्ट ही टोटल हम हमारे पास अगर हैं ये अगर हमारे कम हो गए हैं ऑप्शंस अगर हमारे यहाँ पे कम हो गए हैं है, है ना तो इससे हमारा बैकअप प्लान खराब हो जाता है डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो बैकअप प्लान होते हैं ना वो बैकअप प्लान कम हो जाते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते हैं भैया चलो कोई नहीं हम uh, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ एनवायरमेंटल साइंस ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कोर्स हम ले लेते हैं जहां पे कोई बहुत कम बच्चा जाता है अगर ये नहीं हुआ तो हम ये वाला ऑप्शन कर लेंगे बट अब की बार वो होगा ही नहीं आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है यू आर नॉट हैविंग एनी प्लान बी यू आर ओनली हैविंग प्लान ए राइट right, अब आपको पता है एक लैंग्वेज हो गया एक जीटी हो गया दो तो यही चले मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप चार डोमेन ले पाओगे पाओ कहा, right? कहा तो आपके पास डोमेन आप बहुत सारे नहीं ले पाओगे आपके पास चॉइस बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे जब चॉइस लिमिटेड होती है तो आपका बैकअप प्लान भी लिमिटेड हो जाता है अब देखो यही सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जनरली अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज सभी का एक सेम कॉम्बिनेशन आपका होता है सभी का कॉम्बिनेशन वही होगा तो फिजिक्स बायो लेगा। वाला होगा तो जो उसको जो होंगे वो वही लेंगे। है ना? उसको और सब्जेक्ट जाना ही नहीं चॉइस में जाना ही नहीं है और वही सबके साथ होगा अब देखो जितने भी बायो वाले बच्चे हैं जो स्ट्रीम साइंस में बायो वाले बच्चे हैं उनके पास सबके पास यही ऑप्शन है पीसीबी उसके अलावा वो एक ले सकते हैं चॉइस का बट मेन तो यही है ना में तो यही है। तो इसे तो भटक नहीं पाएंगे एक स्पेसिफिकेशन आपकी आ जाती है और जब आपकी एक स्पेसिफिकेशन आती है इस सब्जेक्ट्स की जब आपके पास एक स्पेसिफिकेशन आई तो इस स्पेसिफिकेशन के बढ़ने की वजह से आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम है लेवल आपका एग्जाम है ये भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ एक यही पर्टिकुलर चीज पढ़नी है अब सभी बच्चे उसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ेंगे अब उसी पर्टिकुलर को सब बढ़ रहे हैं, तो भैया आपका कितने बच्चे आते हैं हर साल ना आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता ही बढ़ता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और वो जो बढ़ेंगी वो भी इसी स्पेसिफिकेशन में जाएंगी और इसी स्पेसिफिकेशन में जाने की वजह से फिर से लेवल बढ़ेगा उनका पर फायदा क्या है इसमें फायदा यह है कि हमारे पास टाइम बढ़ गया हम हमको कम चीजें पढ़नी है सिलेबस हमारा कम हुआ तो इस वजह से हमारा टाइम मतलब सब्जेक्ट सिलेबस तो ऐसे कम हुआ ना कि कम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स कम होते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को टाइम दे पा रहे हो पहले क्या हो रहा था कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स ले रहे हो अब यही नहीं पता किसको कम पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है इस पे ध्यान दू के उस पे ध्यान दू फिर कहीं का नहीं रहता मामला तो अब वो बात नहीं है सिलेबस आपका कम हो गया है सिलेबस कम होने का मतलब सब्जेक्ट कॉम कम हो गए है तो इस वजह से आपका जो टाइम है टाइम भी आपका बढ़ गया आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा टाइम दे पाओगे अच्छे से टाइम दे पाओगे और जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और फोकस भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आपका बढ़ जाएगा फोकस भी एक चीज को लेकर बढ़ जाएगा बट अगेन एक ही आपके पास इशू आता है देखो एडवांटेज तो इसके बहुत सारे हैं कि आपको कम चीज पढ़नी पड़ेगी आप टारगेटेड है कि यही करना है स्पेसिफिकेशन आपके पास है इधर उधर भटकना ही नहीं है कंफ्यूजन रहना ही नहीं पहले बच्चे कंफ्यूज रहते थे ये करूं कि कौन सा कौन सा सब्जेक्ट में लूं इतने सब्जेक्ट ले लेते थे फिर पढ़ते किसी को नहीं थे वो चीज अब नहीं है तो ये एडवांटेज में आ जाएगा आपका पर डिसएडवांटेज दो ही है इसके कि पहली बात तो आपके पास बैकअप प्लान कम हो जाएंगे ऑप्शन आपके पास लिमिटेड हो जाते हैं दूसरा जब आपके पास ऐसी कोई चीज आती है जनरलाइज चीज आती है तो वहां पर लेवल आपका अप होता ही होता है अब यहाँ पे जब आपका लेवल अप होगा तो आपको अपनी मेहनत का लेवल भी अप करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से काम चलेगा आपको अपनी मेहनत का भी लेवल अप करना पड़ेगा देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं यूट्यूब से पढ़िए मंजिल सीरीज है मंजिल सीरीज फॉलो कीजिए राइट आपके पास पेड बैचेज है अभी बिल्कुल रिसेंट में बिल्कुल फ्रेश बैच दो दिन पहले शुरू किया है जिसकी क्लासेज अभी शुरू नहीं हुई है जिसकी क्लासेज आपकी शुरू होने वाली है दिसंबर में पांच दिसंबर से जिसकी क्लास शुरू होने वाली तो जो बच्चे सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर देखो मैं आपको ये नहीं कह रही कि बैच में आऊँ मेरा कहने का पर्पज ये है कि जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे वो करो वेरी गुड नाइस यू हैव टू डू इट यू विल डू इट आई बिलीव यू बट जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है जिनको एक बैच लेना है प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जो खुद से नहीं कर पा रहे दे नीड अ गाइडेंस तो उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा सफलता 2.0 बैच में और सफलता 2.0 बैच आपका प्राइस जो है इसका 7000 समथिंग है बट क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है तो वी विल हैव हाँ 20% का डिस्काउंट ऑन द कोड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दैट इज Y697S राइट अब देखो किसी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है कुछ ऐसा इशू आता तो यू कैन कांटेक्ट मी आल्सो यू कैन जॉइन माय कम्युनिटी मेरी जो कम्युनिटी है वो सोनिया बायोलॉजी बाय सोनिया मैम के नाम से है बायोलॉजी बाय सोनिया मैम के नाम से है और यू कैन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन सोनिया बड़ा s o n i a बड़ा c चहल @247.com आप यहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का समझने में कुछ परेशानी आपको आ रही है तो यू कैन कांटेक्ट मी देयर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू और अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाओ बेहतर बनाओ अगर आप प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी अगर आप थ्योरी कर रहे हो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए क्योंकि उनकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है और मॉक टेस्ट आपको अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पर भी मिल जाएंगे देखो मैं आपको कहूंगी कि आपके पास एक वन टॉप सोल्यूशन महापैक भी है अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे सिलेबस में मिलना है मुझे बात

वो एक आपका एक साइकिल चलता रहता है आपको मिलेगा कहाँ से आपको ये मिलेगा अड्डा ट्वेंटी आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं and... क्या अड्डा डाल दिया अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे जाइए यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन आएगा इंडिया लार्जस्ट वर्ण करके यहाँ से ऑल कोर्सेज में आइए लाइक ऑल कोर्सेज Undergrad entrance and CVT, CVT आप जिस भी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली आप मैथ्स के हैं तो बायोलॉजी के तो पीसीबी वाला कॉमर्स के है, तो ये अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के तो महापैक आप लीजिए यही सजेस्ट क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है और आपको ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर तो बेटा देखो को करनी चाहिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो हमको पूरी लाइफ काम देती है एंड हमारा जो कोड है वाई सिक्स नाइन सेवन एस ये हमने अप्लाई करा और हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है अब देखो यहाँ पे जो हमने प्राइस पे किया ये कितना प्राइस पे किया आठ हजार सात सौ कुछ किया कोड क्या लगाया हमने वाई सिक्स नाइन सेवन एस लगाया राइट right. अब देखो इसके एक बार तुम क्राइटेरिया देखो कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पे हो रही हैं कहाँ कहाँ चीजें हमारी फॉल कर रही हैं राइट right. अब देखो तुम इधर ध्यान दो तो ये जो आपके पास टाइम है ये आपने पैसा जो पे करा है ये आपका साल भर के लिए है बारह महीने के लिए है और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा आप जी

इसी बार में अपना क्रैक करेंगे हमको अगली बार मेहनत ना करनी पड़े ऐसी मेहनत हमको करनी है सो so, अभी के लिए इतना ही गुड बाय है मिलेंगे अगली वीडियो में